आज के समय में हर कोई शनि के साढ़े साथी बढ़िया से परेशान है, लेकिन शनि महाराज कर्म के देवता है। जो जातक जैसा कर्म करता है उसको उसके हिसाब से परिणाम देते हैं। शनि महाराज शमी के दान से प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से। शमी पत्र एक ऐसा पत्र है जो भगवान को सर्वप्रिय है। भगवान शनि देव शमी पत्र से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि हम शनि को शमी पत्र चढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में शनि की पीड़ा कम होती है। शनि हमारे जीवन से कष्ट देने के बजाय हमें सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करता है। शमी एक ऐसा पत्र है जिसको यदि हमने भगवान शनि देव को सरसों के तेल के साथ अर्पण किया तो वो स्वर्ण के समान फल प्रदान करता है। शमी का यज्ञ यदि शनि देव के लिए हमने किया तो वह यज्ञ हमें अश्वमेघ यज्ञ के समान फल देता है। शनि और शमी एक दूसरे के पूरक हैं। शनि देव शमी से प्रसन्न होते हैं। शमी में यदि कोई जातक जल चढ़ाता है तो उसके लिए भी शनि देव प्रसन्न होते हैं। शमी यदि हम उड़द की दाल के साथ में शनिवार को दान करते हैं किसी शनि मंदिर में अथवा हनुमान जी के मंदिर में, तो हमें शनि की साढ़े साथी दैया के प्रभाव से मुक्ति मिलती है, उनका प्रकोप शांत होता है। और शमी का दान करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है, घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शमी भगवान को अर्पण करने से, भगवान का वंदन करने से, शमी को शनि देव के मंत्र के साथ शनि महाराज को चढ़ाने से शमी और शनि दोनों प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य का वास करवाते हैं। शनि देव के लिए यदि कोई शमी पत्र के पेड़ के वहां पर सरसों का तेल का दीपक लगाता है उससे भी शनि देव प्रसन्न होते हैं।